पाँच साल का साथ गांव का विकास इसी कार्यक्रम के मद्देनजर जेड टीवी न्यूज 24 की टीम ब्लाक डलारी की ग्राम पंचायत तिखुटी पहुंची। गांव वालों ने संजीदा को प्रधान बनाकर गांव की कमान उनके हाथों में सौंप दी है। उन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराने का भरोसा गांव वालों को दिलाया है। वही प्रधान प्रतिनिधि निजाम अली ने जेड टीवी न्यूज 24 की टीम से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से गांव वालों ने हम पे भरोसा करके हमें प्रधान चुना है, हम उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। वही निजाम अली ने आगे बताया कि हमने स्कूलों के अंदर टाइल्स पत्थर और स्कूल के ऑफिस में भी टाइल्स लगवाकर दुरुस्त करा दिया गया है। साथ ही स्कूलों में शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ रास्तों का भी निर्माण कराया जा रहा है। वही जेड टीवी न्यूज 24 की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो विकास कार्य जोर शोर से होता हुआ दिखाई दिया। वही निजाम अली ने कोरोना महामारी के चलते सभी ग्रामवासियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी। प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों शासन प्रशासन अधिकारियों को भी मुबारकबाद दी। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं प्रधान प्रतिनिधि निजाम अली, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जेड टीवी न्यूज 24 से डिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। जी नफीस अहमद जी, बताइए आप किस विद्यालय में, किस गांव पे, किस विद्यालय में, किस पद पर कार्यरत हैं? मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय तिखुटी में प्रधान। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या विकास यहाँ पर कराया जा रहा था? ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ कार्यकल्प में काफ़ी काम हो रहा है, जैसे कक्षा कक्षों का टाइलीकरण है, ऑफिस का टाइलीकरण है, दिव्यांग शौचालय बनना है, बाउंड्री है, और आगे आने वाले टाइम में ये इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम भी शुरू होगा। काफ़ी सराहनीय कार्य है इनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनके कार्य सहमत हो? बिल्कुल। पाँच साल का साथ गांव का विकास इसी कार्यक्रम के मद्देनजर जेड टीवी न्यूज 24 की टीम ब्लाक डलारी की ग्राम पंचायत तिखुटी पहुंची। इस गांव से प्रधान पद का जो कमान संभाल रखी है संजीदा बेगम ने संभाल रखी है। आज उनके पुत्र निजाम अली हमारे साथ हैं। किस तरह से इन्होंने चुनाव में वोट मांगे थे, क्या मुद्दा था चुनाव में इनका, किस मुद्दे पर इन्होंने जो है यहाँ से वोट हासिल किए हैं, तो गाँव वालों ने प्रधान जो है चुना है, सारी जानकारी हम निजाम अली से लेकर के आपको बताते हैं। जी सर, स्वागत है आपका हमारे जेड टीवी न्यूज 24 में। जी सर। जी सर, ये बताइए आपने, आपकी मम्मी यहाँ से ग्राम प्रधान चुनी गई हैं, दो गांव लगते हैं इसमें, लुत्फपुरा तिखुटी, तो क्या किस मुद्दे पर आपने यहाँ गांव में जो है जनता से वोट की अपील की थी? हमारा सर मुद्दा यही था, लोगों से विकास के लिए वादे, जैसे मनरेगा का काम चलता है उसमें जॉब कार्ड बनवा कर उनको रोज़गार देना, और भी जैसे विधवा पेंशन है या अगर कोई सी भी स्कीम है उन लोगों को मुहैया कराने के बतौर वोट मांगे, और उन लोगों ने वोट दिए। अच्छा, जिस तरह से आपने, आपको यहाँ जनता ने प्रधान चुना है, आपकी माताजी को प्रधान चुना है, अलग ही कार्यभाग आप देख रहे हो, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आप काम कर रहे हो, तो क्या किस तरह से आप उनके जो है जिम्मेदारियों पर खड़े उतरोगे पाँच साल तक? गांव ने आपको प्रधान चुना है, आप पे भरोसा करा है, तो किस तरह से उनके भरोसे को कायम रखो? जो भी विकास आएगा और जो भी स्कीम आएगी वो उन लोगों तक मुहैया करा दी जाएगी, जैसे सीसी टेल्स हैं, कहीं गड्ढे हैं, रास्ते ख़राब हैं, या जो विधवा हैं उनको पेंशन दिलवानी, या जिनके आवास हैं घर टूटे फूटे हैं उनको आवास दिलवाना, और जिनके घर शौचालय नहीं है वो टॉयलेट फिलने के लिए खेतों में जाते हैं उनके घर पर शौचालय मुहैया करानी। यानी जो भी सरकार की आने वाली योजनाएं हैं, जो भी सरकार आने वाली योजनाएं हैं, तो सबसे पहले आप जो है गांव वालों को, जो पात्र व्यक्ति है उन तक लाभ पहुंचाने का काम करोगे। अच्छा निजाम भाई, मैं एक बात और आपसे जानना चाह रहा था, जिस तरह से पूरे देश में अभी पीछे कोरोना महामारी चली थी, काफ़ी जो है संख्या में लोगों की मौतें भी हुई थी, अब थोड़ा सा मतलब कहने के थोड़ा मामला नॉर्मल है, तो किस तरह से आप कोरोना को लेकर के अपने गांव वालों को जागरूक संदेश देना चाहोगे? सभी ग्राम पंचायत में हमने कहा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रहें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और जैसे डिलारी अस्पताल से टीम आई थी, एएनएम साहब ने भेजी थी, तो मैंने टीकाकरण करवाया, लोगों को समझा बुझा के बोला इसको टीकाकरण कराएं,
इससे आपको ही बेनिफिट है। ये मैंने टीकाकरण कराया और कहा लोगों से इसका सम्मान करें और टीकाकरण कराएं सब लोग। अच्छा प्रधान जी, बताइए अभी आप यहाँ लगभग 3-3.5 महीने आपको जो है फिर प्रधान बने हुए हो चुके हो और काम भी आपका चल रहा है स्कूल में, तो अपना अभी तक अपने स्तर से मतलब गांव में क्या क्या विकास अपने करा दिया है, क्या क्या हो रहा है? जी मैंने प्राइमरी स्कूल में 2 कमरे और 1 ऑफिस में टेंस लगा दी हैं और 1 दिव्यांग शौचालय का भी निर्माण हो गया है और 1 दीवार का निर्माण कराया है स्कूल में और 1 रास्ते का भी निर्माण चल रहा है। अच्छा निजाम भाई, हमें ये बताइए कि जिस तरह अभी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आ रहा है तो क्या शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहोगे स्वतंत्रता दिवस की तरफ से, या अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सभी ग्राम पंचायत तिखुटी के ग्रामवासियों को मेरी तरफ से और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी प्रशासनिक अधिकारियों को और सब देशवासियों को। ग्राम पंचायत तिखुटी की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये थे हमारे साथ प्रधान पुत्र निजाम अली। इन्होंने बताया कि अभी हम इनसे जब बात की इन्होंने बताया कि मेरे द्वारा जो है जो मेरे ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पे जो भी विकास किया जा रहा है स्कूलों में, मैंने टाइल्स का काम किया है, सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है, मतलब जितना हो सका इन सब अपना जो है कोशिश कर रहे हैं। और इन जो है निजाम अली द्वारा यहाँ पे कोरोना की जो महामारी चल रही है उसके बचाव के लिए भी इन्होंने अपने ग्रामवासियों को जागरूक किया है, साथ ही इन्होंने स्वतंत्रता दिवस की सभी शासनिक प्रशासनिक और ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई दी है। अपना कैमरा मैन मोइन अली के साथ मैं अशरफ अली, जेड टीवी न्यूज़ 24 मुरादाबाद।